20 लाख के बेस प्राइस पर जब ऑक्शनियर ने यश दयाल का नाम अनाउंस किया तो ऐसा लगा कि उनके लिए ज्यादा बोली नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उनका पिछला सीजन बेहद ही खराब गुजरा था। लेकिन गुजरात टाइटंस वालों ने उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए पहली बोली लगा दी। यश दयाल के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हुए आरसीबी ने भी 25 लाख की बोली लगा दी। उस वक्त गुजरात टाइटंस की पर्स में 24 करोड़ 45 लाख और आरसीबी की पर्स में 11 करोड़ 75 लाख बचे हुए थे। दोनों ही फ्रेंचाइज यश दयाल को खरीदने के लिए आतुर थीं और एक दूसरे के जवाब में 5-5 लाख बढ़ाकर बोली लगाते जा रही थीं। देखते ही देखते 1 करोड़ तक की बोली लग गई, लेकिन दोनों फ्रेंचाइज में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ना था। उस समय तक गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर थे और आरसीबी के स्क्वाड में 6। आरसीबी के पर्स में भले ही 11 करोड़ 75 लाख बचे हुए थे, लेकिन वो बिना संकोच किए दयाल के ऊपर धड़ाधड़ बोली लगाते जा रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस वाले अब बहुत ही सोच विचार करके बोली लगा रहे थे। 2 करोड़, 3 करोड़, यहाँ तक कि 4 करोड़ की बोली लग गई, लेकिन अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। जब आरसीबी ने 5 करोड़ की बोली लगा दी तो गुजरात टाइटंस वाले पीछे हट गए और यश दयाल आरसीबी में शामिल हो गए।